राम की नगरी अयोध्या में भव्य आयोजन जो है वो दीपावली के पर्व पर होना है। इससे पहले योगी सरकार जो है पहली बार है जब अयोध्या में कैबिनेट कर रही है। इसके अलावा बड़ा जो भव्य है वो दीप उत्सव किया जाना है। साथ ही जनवरी माह में मंदिर का जो उद्घाटन होना है, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसमें शिरकत करेंगे। मेरे साथ खुद पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो है एडी जोन पीयूष मोड़िया साहब मौजूद, हमसे बात करेंगे। सर, एक बड़ा आयोजन है अयोध्या में दीपावली के पर्व पे, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? दीपोत्सव 11 नवंबर को आयोजित किया गया है, छोटी दीपावली के दिन, और काफ़ी व्यापक प्रबंध पुलिस प्रशासन द्वारा वहां पर अयोध्या में किए जा रहे हैं। सुगम यातायात, भीड़ प्रबंधन व सुरक्षा को देखते हुए पूरे अयोध्या को 14 जोन और 36 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। आवश्यकता अनुसार पुलिस बल इन सभी स्थानों पर तैनात किया गया है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि एरियल सर्विलांस जो कि ड्रोन की मदद से की जाएगी, और पेट्रोलिंग गश्त के जरिए असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जाए। जिन स्थानों पर अत्यधिक भीड़ इकट्ठी होती है उनको सुचारू करने के लिए मौके पर पुलिस बल तुरंत से भेजा जा सके ऐसी व्यवस्था की जाए। CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार उन दो दिनों के दौरान भी की जाती रहेगी, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती हो तो उसे होल्डिंग एरिया में रोककर आगे धीरे धीरे लोगों के दर्शन कराकर तब अन्य लोगों को सुचारू रूप से लाया जाए। आसपास के सभी जनपदों के साथ समन्वय बैठकें की जा चुकी हैं जिससे कि यातायात का डायवर्जन कराने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ATS का कमांडो दस्ता मौजूद रहेगा, साथ ही PSC की कंपनियां, SSF जो विशेष सुरक्षा बल है उसकी कंपनियां भी लगातार अपने अपने ड्यूटी स्थानों पर मौजूद रहेंगी। रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, और जो होटल हैं, ढाबे हैं, विभिन्न आश्रम हैं, सभी स्थानों पर यह देखा जा रहा है कि किसी प्रकार के असामाजिक तत्व ना मौजूद हों। लोगों का, किराएदारों का वेरिफिकेशन भी कराया जा रहा है। जो लेबर शहर में काम करने आई है विभिन्न स्थानों से, उनको भी वेरीफाई कराने के पश्चात ही वहाँ पर अपना कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। हम प्रतिबद्ध हैं कि हम अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था और प्रदेश के अन्य जनपदों में भी त्यौहार के दौरान की व्यवस्था बहुत अच्छी करें, और किसी प्रकार की समस्या किसी व्यक्ति को पेश ना आए। यदि कहीं कोई असामाजिक तत्व चिन्हित होते तो उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग टीम्स भी लगातार सोशल मीडिया पर की जाने वाली पोस्ट्स को मॉनिटर कर रही हैं। जहाँ कहीं किसी प्रकार के अनर्गल, भ्रम पैदा करने वाले पोस्ट्स नज़र आते हैं तो उनको पोस्ट करने वाले लोगों को भी चिन्हित किया जाता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। साथ ही जो सही वर्जन है, जिस जो लोगों की को जानकारी दी जानी आवश्यक है, उसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस द्वारा सामने लाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को आने वाले दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि सार्वजनिक स्थल पर जो नियम बनाए गए हैं, जो शासन के निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पूर्व में निर्देश निर्गत किए गए हैं, लाउड हिलर्स को लेकर, सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल को लेकर, पटाखों को लेकर, उन सभी का अनुपालन सुनिश्चित स्वयं भी करें, साथ ही अपने आसपास के लोगों से भी कराएं, जिससे कि हम सभी लोग मिलजुल कर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दिवाली के त्यौहार का को संपन्न करा सकें और अपने धार्मिक कार्यक्रमों को संपादित कर सकें। सर, एक और बड़ा है सरकार की तरफ से कि ये पहली बार है कि वहाँ पर योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, तो मुख्यमंत्री सहित पूरी जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे सर, तो उसको लेकर सर कोई निर्देश, कोई इंतजाम किए गए? ये कल यानी दिनांक 9 नवंबर को जो बैठक अयोध्या में आयोजित की जा रही है, उसमें भी जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जितने भी कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न कराए जाते हैं और इस प्रकार के जो अति विशिष्ट लोगों के आने के दौरान
जो के आने से जो कार्यक्रम होते हैं उनमें पुलिस द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जाती है, पूर्व में भी की जाती रही है, कल भी इस दौरान पुलिस व्यवस्था बनी रहेगी। हमारे सादे कपड़ों में और वर्दी में पुलिस बल, महिला व पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे, अपने अपने स्थानों पर तैनात रहेंगे, आने जाने वाले असामाजिक तत्वों पर नज़र रखेंगे। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि संपूर्ण जनपद को हमने हज़ारों कैमरों से जो है क्या कैमरे उनमें इंस्टॉल करा दिए गए हैं और लगातार हर प्रकार की गतिविधि पर पुलिस की नज़र है। सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग टीमें भी तीनों शिफ्टों में काम कर रही हैं, 2400 घंटे काम कर रही हैं, जिससे कि कोई भी गतिविधि कहीं पर भी होती है तो उसके पर पुलिस की नज़र रहती है और जहाँ कहीं हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है तुरंत पुलिस जाकर उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह से अयोध्या में जो भव्य आयोजन होने हैं, ये पहली बार है जब योगी सरकार अपनी जो कैबिनेट बैठक है वो अयोध्या नगरी यानी राम की नगरी में कर रही है। इसके बाद भव्य जो दीप उत्सव होना है उसमें तमाम लोग जो है शिरकत करने वाले हैं। इसके बाद जनवरी में 22 जनवरी का वो ऐतिहासिक दिन होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो इन तमाम आयोजनों को लेकर के पूरी तरह से यूपी पुलिस जो है वो अलर्ट पर है, तमाम टीमें बना दी गई हैं, सीसीटीवी ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, जो संदिग्ध लोग हैं उनके ऊपर विशेष नज़र बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ATS कमांडो वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर बिल्कुल कहा जा सकता है कि अयोध्या जो है वो सुरक्षा के व्यापक घेरे में है। कैमरा से शुभम साथ अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।